रेरा एक्ट की बारीकियों और किसानों को उनके खेतों के अनुसार सटीकता से रेरा एक्ट के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सवालों की शंकाओं को दूर करने प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के साथ हिम्मतपुर तल्ला पहुंचे, जहां किसानों को एक्ट की विस्तृत जानकारी दी गई। इधर किसानों के सवालों पर आखिरकार वे बैकफुट पर नजर आए और एक्ट को लेकर शिथिलता बरते जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी 25 तारीख को किसानों के साथ बैठक में तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। किसानों ने कहा कि प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट दोबारा तैयार कर भेजनी होगी। उधर किसानों के तेवर देख साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वे प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और किसी भी प्रकार के समझौते को तैयार नहीं है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 5% किसी भी प्रोजेक्ट में 25% शिथिलीकरण देने की व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है। जो प्रस्ताव प्राधिकरण के बोर्ड में आए पूर्व में शिथिलीकरण को लेकर के, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 10% शिथिलीकरण की मांग की गई और जिन्होंने प्रोजेक्ट पाया गया उसमें शिथिलीकरण देते हुए कार्रवाइयां की गई है। मैं केवल कहना चाहता हूँ, सरकार भी, प्राधिकरण भी, बोर्ड भी, सभी इस विषय को संवेदनशील है। समस्या को समाधान करना हमारा उद्देश्य है, समस्या को देखना, ऑब्जर्व करना और कानूनी तरीके से समाधान करना, ये हमारा प्रयास है। इसीलिए हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं।